वेलकम टू डिफेंस डायनामिक्स। जल्द ही MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी की फ्लाइट फ्लीट में शामिल होंगे। MH-60R सी हॉक की ट्रेनिंग के लिए 18 नेवी पर्सनल्स की एक टीम अभी US में है। $2.2 बिलियन की ये डील 24 मल्टीपल रोल MH-60R के लिए फरवरी 2020 में हुई थी। जानेंगे MH-60R सी हॉक के स्पेसिफिकेशंस, क्यों सी हॉक एक बेहतरीन नेवल हेलीकॉप्टर है और क्यों इंडियन नेवी को इसकी ज़रूरत है। सिकोर्स्की MH-60R सी हॉक एक मैरीटाइम मिलिट्री मल्टी मिशन हेलीक्रॉप्टर है जिसे सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया है। MH-60R हेलीकॉप्टर को SH-60B और SH-60F की कैपेबिलिटीज़ को मिलाकर डेवलप किया गया है। MH-60R को रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स को बहुत से मिशन में यूज़ किया जा सकता है, जैसे एंटी सबमरीन वॉफेयर, एंटी सर्फेस वॉफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, नेवल फायर सपोर्ट, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन रिले, लॉजिस्टिक सपोर्ट और वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट, जिसका मतलब है सेलिंग के टाइम पे एक से दूसरे शिप में कार को ट्रांसफ़र करना। रोमियो में 3 से 4 क्रू होते हैं। इसके अलावा ये 5 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। इसकी लेंथ 19.71 मीटर्स, हाइट 5.23 मीटर्स और मेन रोटर का डायमीटर 16.36 मीटर्स है। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 12.5 मीटर्स और हाइट 4.1 मीटर्स की हो जाती है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700GE401C टर्बोशाफ्ट इंजन्स लगे होते हैं जो 1425 किलोवाट की पावर जनरेट करते हैं। इंजन परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर में एक 2230 लीटर्स का इंटरनल सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक लगा होता है जो फ्यूल लीक और डैमेज होने पर आग पकड़ने से रोकता है। MH-60R सी हॉक की मैक्सिमम स्पीड 267 किलोमीटर पर आर है, मगर ये ज़्यादातर 168 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ही क्रूज़ करता है। इसकी रेंज 834 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर की रेट ऑफ क्लाइंबिंग 8.38 मीटर पर सेकेंड और सर्विस सीलिंग 3438 मीटर्स है। इसका वेट लगभग 6895 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10659 kg है। सी हॉक में कार को हुक्स लगे होते हैं जो 2721 केजी का वजन उठा सकते हैं। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर में डुअल कंट्रोल कॉकपिट है जिसमें पायलट और को पायलट बैठ सकते हैं। यह एक फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल ग्लास कॉकपिट होता है जिसमें 4 8x10 इंच मल्टी फंक्शन मिशन और एक फुल फ्लाइट डिस्प्ले लगा होता है। ये डिस्प्ले नाइट विजन गॉगल्स के साथ कंपैटिबल होता है और इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी पढ़ा जा सकता है। MH-60R सी हॉक के नेविगेशन के लिए नॉर्थ्रॉप ग्रूमन LN-100G डुअल एम्बेडेड ग्लोबल प्लेसमेंट सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स लगे होते हैं जो सेंसर्स को स्टेबल रखते हुए हाई एक्यूरेसी नेविगेशन और जियोलोकेशन देते हैं। इस हेलीकॉप्टर में फुली डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इसमें लिंक 16, ARC210 रेडियो फॉर वॉइस, UHF, VHF, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हैरिस हॉकलिंग और KU बैंड डेटा लिंक लगे होते हैं। MH-60R सी हॉक में लगे सेंसर्स की बात करें तो इसमें लॉकेट मार्टिन का AN या ALQ-210 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स सिस्टम लगा होता है जो सिचुएशनल अवेयरनेस और किसी भी थ्रेट की वार्निंग देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें ATK, AN या AAR-47 जो कि एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम है, लेज़र वार्निंग सिस्टम्स जो लेज़र एमिट होने के डायरेक्शंस को लोकेट, डिटेक्ट और एनालाइज करता है, BAE सिस्टम्स का AN या ALQ-144 इंफ्रारेड जैमर, AN ALE-39 शाफ जो रडार गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है लगे होते हैं। MH-60R सी हॉक में AN या AAS-44 रेथियन डिटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। इसमें इंफ्रारेड और लेज़र रेंज फाइंडर भी होता है। एंटी सबमरीन वॉर मिशंस के लिए इस हेलीकॉप्टर में सोनोबॉय लॉन्चर और रेथियन AN या AQS-22 एडवांस टिपिंग लो फ्रिक्वेंसी AS सोनार लगे होते हैं। सोनोबॉय एक बॉय है जो अंडरवाटर साउंड्स को डिटेक्ट और रेडियो से ट्रांसमिट करता है। वहीं AN या AQS-22 सोनार सबमरीन को डिटेक्ट, ट्रैक और क्लासिफाई करता है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का रडार एक मल्टी मोड टेलीफोनिक्स AN या APS-153 रडार है जिसे बेस्ट मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार माना जाता है। यह इंटीग्रेटेड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, ऑटोमेटिक रडार पेरिस्कोपिक डिटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन और लॉन्ग रेंज हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फीचर्स से इक्विप्ड है।
एंटी सर्फेस वॉर मिशंस के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर को अलग अलग वेपन्स से इक्विप किया जा सकता है इसके चार वेपन स्टेशंस पे, जिसमें हेलफायर AGM-114 एंटी सर्फेस मिसाइल भी शामिल है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर 380K Mark 46, Mark 50 या Mark 54 लाइट एक्टिव या पैसिव एयर लॉन्च टॉर्पीडोज कैरी कर सकता है। इसमें 7.62mm मशीन गन्स भी माउंट की जा सकती है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स को स्मॉल फायर आर्म्स फायर और मीडियम कैलिबर हाई एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स को टॉलरेट करने के लिए बनाया गया है। इसकी फ्लाइट कंट्रोल डुअल रिटेंडेंट हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ट्रिपल रिटेंडेंट है, मतलब फ्लाइट कंट्रोल एक और हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दो फेलियर के बाद भी काम करेंगे। इंडियन ओशन रीजन में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर्ड दोनों ही टाइप की सबमरीन्स बढ़ती जा रही हैं, जहाँ चाइना 60 सबमरीन्स ऑपरेट कर रहा है जिसमें से 6 न्यूक्लियर और 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान टोटल 8 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और इंडिया सिर्फ 16, जिसमें सिर्फ INS अरिहंत ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पहले ही सबमरीन थ्रेट्स को डिटेक्ट कर ले और इसी कारण से इंडियन नेवी P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडियन नेवी 14 काम ऑफ K-27 या 28 और 25 वेस्टलैंड सीकिंग ऑपरेट कर रही है, उसमें से भी 6 US-3H वेरिएंट है जो कार्गो और यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट वर्जन में कन्वर्ट किए गए हैं SH-3H वेरिएंट से ASW सिस्टम को हटा के। ऐसे में एक एडवांस ASW हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, इसलिए MH-60 रोमियो को चुना गया। ये बेस्ट एवियोनिक्स से इक्विप्ड है और दुनिया के बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स में से एक है। रोमियो को फ्रेगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, एम्फीबियस शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है और ये सूटेबल है इंटेंस कोस्टल वॉरफेयर ऑपरेशंस और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को हैंडल करने के लिए कन्फाइंड स्पेसेस और ओपन वाटर ऑपरेशंस में भी। रोमियो के आने के बाद चाइनीज सबमरीन्स का बचपाना नामुमकिन है और MH-60R को हंटर रोमियो कहना गलत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।